अपनी आपकी टीम आ गई बेटा, चेक कर लो एक बार। मैम अभी थोड़ी लोग बचे हैं शायद, एक सेकंड में। यस मैम, आस्था दी बच्चे हैं और बहुत लोग। आस्था आ गई है, नंदनी बची है अभी, नर्मदे हर मैम। नर्मदे है आस्था। मैम मैम प्रोग्राम चालू हो गया क्या? यस आप सभी को नर्मदे हर और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नर्मदे हर मेहल। सभी गुरुजनों को प्रणाम और चरण स्पर्श। खुश रहिए। नर्मदे हर मैम, नर्मदे हर सर, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हिंदी में बोलिए। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मैम और सर को। खुश रहिए। आप टीम देख लीजिए, सारे बच्चे आ जाए तो फिर हम शुरू करते हैं। यस मैम। नंदनी को सभी गुरुजनों का मेरा प्रणाम और गुरु पूर्णिमा की मेरी तरफ से बधाई। धन्यवाद रेवती। नर्मदे हर वीणा दीदी। नर्मदे हर सुजाता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सभी गुरुजन का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू बेटा। नर्मदे हर मैम, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। नर्मदे हर। धन्यवाद। नर्मदे हर मैम। नर्मदे हर। नंदिनी भी आ गई है, और कौन बचे हैं? एक बार लिस्ट चेक करना। नर्मदे हर मैम, गुरु पूर्णिमा। नर्मदे हर अथर। आस्था एक बार लिस्ट चेक कर लो। मैम बोलना है क्या अभी? नहीं नहीं बच्चे सारे आ गए क्या, वो देख लो एक बार। हाँ मैम एक सेकेंड, 22 आया ना अभी। मैम एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ। आ गई है वैष्णवी भी आ गई है। चलिए बच्चों तो हम शुरू करते हैं। 4:07 हो चुके हैं। नर्मदे हर सभी को, सभी आज की हमारे सर्वांग संस्कार शाला की गुरु पूर्णिमा उत्सव में पधारे सभी गुरुजन का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं। सर्वांग संस्कार शाला की ओर से आप सभी का स्वागत है। और आज आप लोगों के सिखाए हुए बच्चे, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, और वो चाहते थे कि आप लोगों को एक साथ एक मंच पर ला करके और आप लोगों के लिए आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव कुछ खास तरह से मना सकें। तो आज सारे बच्चे आपके साथ हैं, मैं आप लोगों के बीच से हटती हूँ। तो सारे गुरुजन आमंत्रित हैं और हमारे बच्चों की जो टीम है वो आमंत्रित है, आप अपना उत्सव मनाइए सबके साथ। तो सारे बच्चों की टीम
आमंत्रित है, आप आज का उत्सव प्रारंभ करें। तान्या दीदी गायब। तान्या दीदी गायब। तान्या दीदी आई नहीं, आ गई है तान्या। तान्या आप कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी को मेरा नर्मदे हर एवं गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो किसी शुभ कार्य का जो प्रारंभ है हम हाँ गणेश जी की आराधना से करते हैं। तो प्रस्तुत है गणेश मंदिर। निकाल ले चादर, निकाल चादर ना रख दे निकाल के, अभी ओढ़ने के लिए लगेगी रात में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाया। तान्या को स्टेज पे भी मैंने सुना हुआ है, पर आज तो बहुत कमाल कर दिया है, बहुत सुंदर जी। बच्चों शुरू करें। यस मैम। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
नर्मदे हर सभी को, नर्मदे हर सभी को। मैं अग्नियत्रे, मैं आस्था नेगी अपने सभी साथियों के साथ इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। जिस प्रकार सूर्य से तत्व भूमि को वर्षा ऋतु आने पर फसल प्राप्त करने की क्षमता मिलती है, ठीक उसी प्रकार गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शक्ति एवं भक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। और हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं जो हमें आप जैसे गुरु मिले। जब गुरु के दर जाना हो तो दिमाग बंद कर देना, जब गुरु के शब्द सुनने हो तो कान खोल लेना, जब गुरु पे विश्वास करना हो तो आंखें बंद कर लेना, जब गुरु को अर्पण करना हो तो दिल खोल लेना, जब गुरु का प्रवचन सुनना हो तो मुख बंद कर लेना, जब गुरु की सेवा करनी हो तो कान बंद कर, जब गुरु से विनती करनी हो तो झोली खोल लेना। यहाँ गुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती, यहाँ मनमानी नहीं होती, ये बात भी पक्की है कि कोई परेशानी नहीं होती। ये थी हमारी छोटी सी कोशिश आप सभी को धन्यवाद करने की। तो तान्या दीदी की इतनी मीठी और सुरीली आवाज सुनने के बाद अब हम आमंत्रित करते हैं अनुष्का शर्मा को कि वो आए और अपनी मनमोहित सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। चेयर में ना एक वॉइस का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करो तो आ जाएगी बेटा। आ गई आवाज, आ गई, आ गई, आ गई। हाँ मैम आ रही है। Thank you.
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बच्चों अगली प्रस्तुति भरत कोठारी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नर्मदेर, तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, जो कृपा गुरु की हुई बन गए तुलसीदास। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व पर अवसर है अपने गुरुओं को याद कर उनका आशीर्वाद लेने का। यह हम सभी जानते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं। एकलव्य ने भी गुरु द्रोणाचार्य की पैरों की धूल से मूर्ति बनाकर तीर चलाने की विद्या सीखी। आरुणी की गुरु भक्ति सारे संसार में प्रसिद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कुछ सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता जरूर होती है। जरूरी नहीं कि ये गुरु हमें जो स्कूल में सिखाते वही हो। हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, इनमें से कोई भी हमारे गुरु हो सकते हैं। आज मैं उन सभी गुरुओं को नमन करते हुए उन्हें प्रणाम करता हूँ जिनकी वजह से मेरा मार्ग दर्शन हुआ। धन्यवाद। अभी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारी बहुत प्यारी सी वैष्णवी जोशी गुरु वंदना की प्रस्तुति देंगी। भरत कोठारी, आप वैष्णवी का वीडियो शेयर करें। जी मैम। बहुत सुंदर वैष्णवी। कोरोना काल ही था जिसकी वजह से हम मिल नहीं पाए, अन्यथा हम इसको एक बड़ा उत्सव मनाते। और बच्चे सभी गुरुजन से बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और बहुत चाहते हैं अपने सभी गुरुजन को।
तो सभी बच्चों ने आप लोगों के लिए कुछ प्रस्तुतियां तैयार की हैं। तो हम सबसे पहले हमारे सबसे वरिष्ठ गुरुजन आदरणीय श्री प्रफुल्ल निलोसे अंकल जी को आमंत्रित करते हैं और बच्चे उनसे कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं तान्या को आमंत्रित करूंगी। आप आदरणीय निलोसे अंकल के लिए जो भी अपने मन के भाव हैं वो समर्पित करें। गुरु दो तरह के होते हैं, एक जो हमें इतना डरा देते हैं कि हम अपनी जगह से हिल भी ना सके, और एक वो जो हमें स्नेह पूर्वक देखे या हमारी पीठ थपथपा दे तो हम आसमान छू लेते हैं। कुछ ऐसे ही हैं हमारे प्रफुल्ल निलोसे सर, जिन्होंने नार्मदीय विकास एवं इतिहास हमें बेहतरीन रूप से धैर्य पूर्वक समझाते हुए हमारी जिज्ञासाओं और हमें ज्ञान प्रदान किया। हम बच्चों को नार्मदीय इतिहास और अपनी धरोहर के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं था। कुछ सर ने वही सब हमें इतने अच्छे से बताया कि सभी ने रुचि लेकर उसे समझा। उनकी सरलता और सहजता उनकी व्यक्तित्व की खास पहचान है और हम सभी उनकी कक्षा का इंतजार करते हैं। सर ने हमें माँ नर्मदा का महत्व भी बताया। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ आस्था निधि को कि वो नर्मदा अष्टक पर एक नृत्य सर को समर्पित करें। बहुत सुंदर बोला तानिया आपने। आप जितना सुंदर गाती हैं उतना ही सुंदर आप बोलती भी हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, और मुझे बहुत अच्छा लगा तुम सबका ये सुन के। तुम लोगों को अच्छा लगता है कार्यक्रम, और बहुत बहुत आशीर्वाद तानिया को भी और सब बच्चों को। बहुत नाम कमाओ और अपने जीवन में बहुत सफलताएं हासिल करो और अपना अपने समाज का और अपने देश का नाम ऊंचा करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद मेरे। हाँ, अब कौन नृत्य कौन दिखा रही है नर्मदा अष्टक पे? क्योंकि आपने नर्मदा जी का महत्व समझाया तो बच्चे चाहते थे कि हम नर्मदा जी पर ही कोई प्रस्तुति दें। तो आस्था नेगी ने नर्मदा अष्टक की नृत्य प्रस्तुति तैयार की है जो आपको समर्पित है। तो वरद आस्था को आमंत्रित करें और उनका वीडियो शेयर करें। काम शुरू हो गया। सब लोग जो नए ज्वाइन कर रहे हैं सब लोग म्यूट करिए, बीच में नहीं बोलना है किसी को। वंशिका आप बार बार अनम्यूट मत करो। मैं शुरू से करूं कि फिर हमें गाना सिखाओ? आवाज फिर से रुक गई। तुम्हारे वीडियो में नहीं थी क्या? नहीं मैम, मैंने तो पूरा भेजा था आवाज का।
चलिए हम ग्रुप पर शेयर कर देंगे पूरा वीडियो। मैम एक और आइडिया है, मैं पुराना वाला वीडियो भेजा है वो वाला शेयर कर दूं। हम इसी ग्रुप में डाला है। आवाज आ रही है ना? नहीं आ रही। नहीं धीरे आ रही है क्या? हाँ बहुत धीरे आ रही है। बहुत धीरे आई नहीं रही यार। वो फोन कौन आ गया था?
बहुत सुंदर आस्था सुंदर आदरणीय दिलों से बहुत सुंदर बहुत ही प्यारा था बहुत सुंदर बच्चों की कोशिश थी सर आप बता रहे हैं कि विशेष रूप से मेरे लिए है तो मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत प्यारा नृत्य किया था इतना सुंदर पद संचालन हालांकि आवाज थोड़ी सी टूट रही थी पर जिस तरह से पद संचालन है और नृत्य का जो लास्ट से नजर आता है उसमें बहुत सुंदर बहुत अच्छा किया है अच्छी ट्रेनिंग हुई है पर जो भी गुरु हैं इनके जो भी गुरु हैं उन्होंने अच्छा सिखाया बच्चे एक महीने से करीब से लगे हैं सर आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए काफी दिनों से तैयारियां कर रहे हैं सभी और सभी गुरुजन को बहुत चाहते हैं सारे बच्चे तो बस अपने भाव अर्पित कर रहे हैं आप लोगों को अब मैं मेहल को आमंत्रित करूंगी अर्चना शास्त्री चाहेंगी आप मेहल आस्था दीदी की मैम आस्था दीदी की ये मैम आस्था दीदी की इसी परफॉर्मेंस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा पे के अवसर पर मेरी आस्था दीदी का बर्थडे भी है तिथि के हिसाब से अरे वाह बहुत बहुत बधाई और हैप्पी बर्थडे जन्मदिन की शुभकामनाएं आस्था हैप्पी बर्थडे धन्यवाद मैम जन्मदिन की शुभकामनाएं तिथि से है उसका तो अब मैं मेहल को आमंत्रित करूंगी मेहल अर्चना शास्त्री मैम के लिए अपने भाव अर्पित करना चाहेंगी मेहल शुक्ला शिक्षकों की वजह से ही बच्चों का भविष्य सुधरता है अर्चना मैम हमें अच्छी कहानियां सुनाते हैं जिससे हमें प्रेरणा मिलती है अर्चना मैम की कहानियों से हमें सीख मिलती है और हम अच्छी आदतें सीखते हैं अर्चना मैम जैसे शिक्षक शिक्षकों के मेहल को कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है तो अब मैं वरद से अनुरोध करूंगी कि नंदिनी मेहल दीदी आ हाँ मेहल आप अपनी बात पूरी करें मैम फिर से बोल दूं शुरू से हाँ जल्दी बोलो बेटा शिक्षकों की वजह से ही बच्चों का भविष्य सुधरता है अर्चना मैम ने हमें अच्छी कहानियां सुनाई है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है अर्चना मैम की कहानियों से हमें सीख मिलती है और हम अच्छी आदतें सीखते हैं गुरुओं की वजह से ही बच्चों का भविष्य सुधरता है धन्यवाद मैम बहुत बहुत धन्यवाद मेहल अर्चना दीदी के लिए नंदिनी कुछ कहना चाहती है नंदिनी चौरे आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अर्चना मैम के लिए प्रस्तुति देना चाहूंगी अर्चना मैम यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है गुरु का महत्व एक बार की बात है एक गुरु और शिष्य एक जंगल की ओर जा रहे थे चलते चलते रात हो गई रास्ता भटक गए उन्होंने सोचा कि कहीं एक झोपड़ी देखकर ठहर जाते हैं वे चलते चलते एक झोपड़ी के पास पहुंचे शिष्य ने दरवाजा खटखटाया अंदर से एक आदमी बाहर आया गुरु ने कहा कि हम रास्ता भटक गए हैं तो क्या हम एक रात के लिए तुम्हारे यहाँ रुक सकते हैं उस आदमी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं अंदर आइए जैसे ही वे अंदर पहुंचे तो वे वहां की हालत देखकर चकित रह गए उन्होंने देखा कि उस बेचारे आदमी के पास कुछ नहीं था मुश्किल से उसके पास कुछ खाने के लिए होगा तब गुरु ने उससे पूछा कि तुम आखिर करते क्या हो तब उस आदमी ने जवाब दिया कि वैसे तो मेरे पास बहुत बड़ा खेत है पर मेरे पास ये गाय है
मैं इसी से अपना व्यवसाय चलाता हूँ। गुरु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे कहा कि जब तुम्हारे पास इतना बड़ा खेत है तो तुम उस पर कुछ काम क्यों नहीं करते। तब उस आदमी ने कहा कि लोग कहते हैं कि ये बंजर जमीन है, इसमें क्या उगेगा, इसलिए मैंने आज तक उस पर कभी कुछ उगाया ही नहीं। गुरु ने उस समय कुछ नहीं कहा और सब सोने चले गए। सबके सोने के बाद गुरु ने अपने शिष्य को जगाया और उस आदमी की गाय लेकर चल दिए। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने गुरु से कहा कि यह आपने क्या किया गुरु जी, उस बेचारे आदमी के पास एक यही तो चीज थी जिससे वह अपना घर चला रहा था। गुरु कुछ नहीं बोले, केवल मुस्कुराए और चल दिए। बहुत समय बीत गया और अब उन्हीं गुरु का शिष्य एक स्वयं में ही एक बड़ा गुरु बन चुका था। उसे याद आया उस आदमी के बारे में। उसने सोचा कि मेरे गुरु ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, आखिर उस आदमी का क्या हुआ होगा, और वह चल दिया। जैसे ही वह गांव पर पहुंचा तब उसने देखा कि अब वहां एक झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल जैसा घर था और उस बंजर जमीन में अब हरे भरे खेत लहरा रहे थे और उसी खेतों में उसे वह आदमी दिखाई दिया। शिष्य तुरंत पहचान गया और वह उसकी तरफ गया। उसने उससे कहा कि तुमने मुझे पहचाना, मैं वही हूँ जो अपने गुरु के साथ आया था और तुम्हारे यहाँ एक रात्रि ठहरा था। वह आदमी तुरंत पहचान गया और उसने कहा कि अरे हाँ, आप उस रात कहाँ चले गए थे, और उसी रात मेरी गाय भी कहीं चली गई थी, मेरे पास और कोई चारा ना था और फिर मुझे अपने खेतों पर ही काम करना पड़ा, और आज मेरी मेहनत की बदौलत आज मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ। तब शिष्य को समझ आया कि आखिर उसके गुरु का गंतव्य क्या था। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में भी एक सच्चे गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसी कई चीजें हैं जो हमें आगे जाने से रोकती हैं, जैसे उस आदमी के लिए गाय थी। इसीलिए हमें सारी चीजों को हटाना है और हमें आगे बढ़ना है ताकि हम सफलता की ओर जा सके, और ऐसा करने के लिए हमें हमारे गुरु ही प्रेरित करते हैं। इसलिए एक सच्चे गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर कहानी नंदिनी, आपने कहानी सुनाई है और बहुत ही सुंदर तरीके से कहानी सुनाई है और उसका एक आउटकम भी दिया है कि प्रेरणा और क्या शिक्षा मिलती है आपको उस कहानी से। तो बहुत सुंदर। देखिए अंकल, देखिए कि कितने कहानीकार निकल रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी अर्चना जी के इतना सुंदर उसने बिल्कुल अपने गुरु की तरह अपनी कहानी सुनाई। बिल्कुल अर्चना, बहुत सुंदर नंदिनी, बहुत अच्छी कहानी। तो अर्चना दीदी को समर्पित इस नंदिनी की इस कहानी के बाद हम तान्या को आमंत्रित करते हैं। तान्या डॉक्टर भावना जी बर्वे के लिए कुछ कहना चाहेंगी। तान्या स्वागत है आपका। आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज की पीढ़ी पर पाश्चात्य संस्कृति का रंग चढ़ता जा रहा है, हमारे रीति रिवाज, तीज त्योहार और उनसे जुड़ा ज्ञान धूमिल पड़ता जा रहा है। इन्हीं रीति रिवाजों, तीज त्योहारों और संस्कारों से जोड़ने का कार्य किया है हमारी भावना बर्वे मैम ने। हम तीज त्योहार मनाते हैं, उनसे जुड़े रीति रिवाजों का पालन भी करते हैं, क्योंकि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ये देखते आ रहे हैं लेकिन जानते नहीं है कि ये क्यों कर रहे हैं। भावना बर्वे मैम ने हमें तीज त्योहारों से जुड़ी पौराणिक कथाएं बताई और रीति रिवाजों से जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों से हमें अवगत कराया। उन्होंने हमें विभिन्न तीज त्योहारों के बारे में बताया, जैसे बसंत पंचमी जिसमें माँ सरस्वती की आराधना होती है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी नंदिनी चौरे को कि वो माँ सरस्वती की आराधना करते हुए नृत्य मैम को समर्पित करें।
बहुत अच्छे तान्या। मैं भरत से आग्रह करूंगी कि नंदिनी का वीडियो शेयर करें। Thank you.
बहुत बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर डांस आपका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आदरणीय कल्पना उपाध्याय जी को आमंत्रित करूंगी। बच्चे उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो विनायक काश्यप जी कुछ कहना चाहते हैं। विनायक, आप कल्पना मैम के लिए कुछ शब्द कहना चाह रहे थे, आपका सादर आमंत्रित है आप। तो आज के इस शुभ अवसर पर मैं कल्पना मैम के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। सर्वांगशाला में कल्पना मैम ने हमें हमारी परंपराओं से अवगत कराया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आज के इस भागदौड़ वाले जीवन में हम हमारी परंपराओं से दूर जाते हैं, इसीलिए परंपराएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं अब अंत में कल्पना मैम को आभार प्रकट करता हूँ और अब मैं आमंत्रित करता हूँ अवनी, आस्था, रेवांशी और चेतना को कि वो आए और अपना प्यारा सा कृष्ण भजन कल्पना मैम को समर्पित करें। धन्यवाद विनायक। मैं वरद से आग्रह करूंगी कि वीडियो शेयर करें। जी मैम। कल्पना मैम, आपके लिए बच्चों ने एक भजन प्रस्तुति तैयार की है, क्योंकि आप उनको जोड़ती हैं संस्कारों से और परंपराओं से, तो बच्चे चाहते थे कि कुछ नया आपके लिए किया जाए। कोऑर्डिनेट किसने किया है, चार अलग अलग जगह पे हुआ है, उसका एडिटिंग किसने किया है, उसके लिए विशेष बधाइयां है। अवनी अत्रे ने किया है।
एक्सेलेंट, गुड जॉब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीन बच्चे अलग अलग जगह पर और अलग अलग वहां से फिर एडिट करना, वीडियो करके मैंने कहा असली गुरु तो आप है जो सब बच्चों को ऐसे बोल के करवाया आज के लिए प्रोग्राम। बहुत सुंदर सभी बच्चों का, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मेहनत है बच्चों की और बहुत क्रिएटिव है बच्चे, बहुत क्रिएटिव। आपको आमंत्रित करती हूँ, अपनी बात कहें। जी तो आज इस शुभ अवसर पर मैं वर्षा मैम के लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ। वर्षा मैम ने हमें बहुत सारी सुंदर सुंदर कहानियां और श्लोक हमें बताए जिससे हमें बहुत आनंद आया। ऐसे ऐसे श्लोक जो हमें ना कभी सुने थे ना कभी पढ़े थे, तो उनके मैं अब उनका आभार प्रकट करता हूँ। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ वैष्णवी को कि वो आए और अपना एक अपनी एक प्यारी सी कहानी वर्षा मैम को समर्पित करें। मैंने तो अभी तक कुछ तैयारी नहीं की उनकी, प्रस्तुति कर रहे थे, पकड़ के खड़े रहने। ठीक है मैम, प्रेजेंट करूं? हाँ, इनका स्वागत है नटराज स्तुति के साथ। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। है आद्य गुरु शंकर पिता, है आद्य गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगना गबके उरे ब्रह्मांड ना, गंभीर नाद मृदंगना गबके उरे ब्रह्मांड ना, नित होत नाद प्रचंड ना, नित होत नाद प्रचंड ना, नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। क्षीर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मान, क्षीर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मान, विष्णाग माला कंठ मान, विष्णाग माला कंठ मान, नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। तव शक्ति वामांगे स्थिता है चंद्रिका अपराजिता, तव शक्ति वामांगे स्थिता है चंद्रिका
अपराजिता चहुवेद गाए संहिता चहुवेद गाए संहिता नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः नटराज राज नमो नमः धन्यवाद ये असर है आपने जो श्लोक सिखाए हैं बच्चों को तो उनका ये असर है कि वो इतने अच्छे से इतने सही उच्चारण के साथ में दूसरे श्लोकों की तरफ उनका उनका रुझान बढ़ा है और सीखने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया कई असर है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सारे बच्चे सर्वांग संस्कार शाला अब मैं अगली प्रस्तुति के लिए वरद को से अनुरोध करूंगी कि वैष्णवी का वीडियो चलाएं वैष्णवी का वीडियो आ रहा है उसके पहले मैं तान्या को आमंत्रित करूंगी हमारी एक मल्टी टैलेंटेड टीचर चेतना मैम के लिए आज चेतना मैम का भी बर्थडे है तो तान्या से अनुरोध करूंगी कि चेतना मैम को विश करें और सारे बच्चे साथ में विश करें चेतना गार्गव मैम जो हमको वार्ली आर्ट सिखाती हैं हम पहले चेतना मैम को विश करते हैं उसके बाद हम वैष्णवी का वीडियो प्ले करेंगे सभी आप सभी बड़े लोगों को मेरा सादर प्रणाम बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं चेतना जी आपको सब बच्चे भी और बच्चे आपको धन्यवाद करना चाहते हैं तो वैष्णवी कुछ कहना चाहेंगी वरद वैष्णवी का वीडियो प्ले करें चेतना मैम का बहुत आभार करूंगी क्योंकि उन्होंने हमें तरह तरह के वाली आर्ट बनाना सिखाए जिससे हम हमारे घर की चीजें बड़ी आसानी से सजा सकते हैं साथ ही में उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे तो आइए मैं आमंत्रित करती हूँ विनायक को जो चेतना मैम के लिए अगली प्रस्तुति देंगे धन्यवाद वैष्णवी अब मैं विनायक को आमंत्रित करूंगी चेतना मैम के लिए अपना मधुर सुमधुर सा तबला वादन प्रस्तुत करेंगे विनायक का आशय नहीं वो लाइव बजा रहा है विनायक आपका कैमरा वर्टिकल है सीधा कर लीजिए विनायक जी विनायक प्यारा सा बच्चा है हमारा विनायक बहुत टैलेंटेड है तो विनायक आप अपना तबला वादन प्रस्तुत करें आदरणीय चेतना गार्गव मैम के लिए Thank you.
बहुत सुंदर विनायक, बहुत छोटा सा पुतला है लेकिन ये उंगलियां ऐसे थाप देती हैं, बहुत सुंदर विनायक। विनायक की इस प्रस्तुति जो चेतना गार्गव मैम के लिए को समर्पित थी, उसके बाद मैं आस्था नेगी को आमंत्रित करूंगी। आस्था नेगी आदरणीय शिरीष जी कराहे और विभा कराहे जी से कुछ कहना चाहती है आस्था नेगी। यस मैम, नर्मदे हर एवं प्रणाम सभी को। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं जिस गुरु की बात करूंगी उनके बारे में हम जितना भी बोले वो कम है। क्या किसी ने सोचा था कि श्रीमद् भागवत गीता के इतने मुश्किल मुश्किल श्लोक हम कभी याद भी कर पाएंगे? नहीं, पर शिरीष सर ने सिर्फ हमें वो श्लोक ही नहीं बल्कि उनके भागवत भी याद कराए। विभा मैम ने हमें एनिमेशन के जरिए इतनी मोटिवेशनल स्टोरीज दिखाई और हमें हमारे जीवन का महत्व समझाया। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ नंदिनी चौरे को। उसको भी एक बार सब लोग बधाई दे दें। नंदिनी चौरे धन्यवाद। तो चूंकि श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है और उन्हीं का गीतोपदेश है, तो श्री कृष्ण को समर्पित एक मधुराष्टकम सरोज जी। Thank you.
बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर नंदिनी, थैंक यू, धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर नंदिनी, बहुत अच्छा नृत्य प्रस्तुत किया और कल की परीक्षा में भी आप आपका परफॉर्मेंस टॉप था, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई आपको। हमको बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत मजा आया, आप लोगों को सीखने के साथ साथ हमको बहुत मजा आया बच्चों के साथ में, तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड होप सो कि आप लोग ऐसे ही एक्टिव रहेंगे हमेशा और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और सभी के लिए आशीर्वाद जो है वो पाते रहेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों की ओर से, हरे कृष्ण। अब मैं रेवांशी को आमंत्रित करूंगी। रेवांशी, हमारी योगा मैम श्रीमती अनुपमा सकरगाय जी के लिए कुछ कहना चाहेंगी। रेवांशी नमस्ते, आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग शरीर मन और आत्मा को निरंतर करने में मदद करता है, ये योग हमें अनुपमा मैम ने सिखाया है, हम अनुपमा मैम के आभारी हैं जिनके मार्गदर्शन में हमें योग सीखने को मिला। अब हम सभी बच्चे अनुपमा मैम के सिखाए हुए योग मुद्राएं प्रस्तुत करेंगे। बहुत अच्छे रेवांशी, जो मैं जो हमने हमारे शिक्षकों से सीखा है वही हम उनको दिखा रहे हैं कि हमने आपकी दी हुई शिक्षा कितनी ग्रहण कर पाए, हम आपको समर्पित हैं। तो मैं वरद से आग्रह करूंगी योग का वीडियो प्ले करें जो हम आदरणीय अनुपमा मैम को समर्पित करते हैं। Thank you.
बहुत सुंदर बच्चों, इतने परफेक्शन के साथ आप लोगों ने योग किया है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे बहुत कठिन लगता है सूर्य नमस्कार, पर आप लोगों ने सीखा और करके बताया, तो बहुत तालियां आप सभी बच्चों के लिए जो योग करते हैं, उन सभी के लिए जो खुद भी स्वस्थ रहते हैं और बच्चों के लिए बहुत बहुत सभी बच्चों को धन्यवाद। अनुभव मैं अवनी अत्रे को आमंत्रित करूंगी। अवनी अत्रे हमारी डांस की टीचर भावना जी खेड़े के लिए कुछ कहना चाहेंगी। अवनी जी मैम, जब शरीर और आत्मा का मिलन होता है तब एक खूबसूरत नृत्य का सृजन होता है। यह कविता संख्या आप सभी समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं। जी नृत्य की, नृत्य को इंग्लिश में डांस भी कहा जाता है। नृत्य वह कृति है जिसमें लीन होने के पश्चात आप नृत्य के सिवाय कुछ नहीं जानते। नृत्य वह कला नहीं जिसे सीखना जरूरी है, नृत्य वह कला है जिसे महसूस करना जरूरी है, और उस कला की मंजिल तक पहुंचाती है हमारी सुपर डांसर भावना मैम। हर मौसम हर त्योहार के हिसाब से हम सभी को इतना अच्छा डांस सिखाती है, और हम आशा करते हैं कि आप यूं ही हमें डांस सिखाती रहे और अपना प्यार आशीर्वाद बरसाती रहे। तो इस योग आसन के वीडियो के बाद अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेहर शुक्ला को, ये अपना मस्ती भरा डांस भावना मैम को समर्पित करें। मैं वरद से आग्रह करूंगी मेहल का डांस प्रस्तुत करें। सुंदर मेहल, बहुत सुंदर, हल्का फुल्का छोटी मुद्राओं के साथ आपने जो डांस किया, मुझे पूरा विश्वास है कि भावना खेड़े मैम को बहुत पसंद आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेहल आपका। धन्यवाद मैम। अब मैं नंदिनी को आमंत्रित करूंगी, आप हमारी क्राफ्ट टीचर पायल मैम के लिए कुछ कहना चाहेंगी। नंदिनी चौरे, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं पायल मैम के लिए कुछ कहना चाहूँगी। पायल मैम से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे हम मामूली सी चीज़ को भी अपने यूज़ में ला सकते हैं। हमने उनसे बहुत रोचक चीज़ें बनानी सीखी और उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और उनके लिए आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं तान्या दीदी को आमंत्रित करूंगी कि वो अपनी प्यारी सी आवाज में एक मधुर गीत पायल मैम को समर्पित करें। तान्या आपका स्वागत है। आप मेरी आवाज, हाँ थोड़ी धीरे आ रही है बेटा। मैम यहाँ पे बारिश हो रही है तो शायद नेटवर्क का, अभी ठीक है। हाँ पास में पकड़ लिया ना, अभी ठीक है। Oh
सुंदर तान्या, बहुत सुंदर। गुरु की महिमा का बखान करते हुए आपका शब्द है, अपने माता पिता से भी ज्यादा ऊंचा स्थान होता है गुरु का। तान्या का गुरु भजन आज हमारे सर्वांग संस्कार शाला के सभी गुरुओं को भी समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद तान्या। बहुत सुंदर तान्या, तो बहुत प्रतिभाशाली बच्ची है, बहुत प्रतिभाशाली। अब मैं अथर्व शुक्ला को करूंगी। आप हमारी डॉक्टर प्रियंका मलतारे जी के लिए कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर प्रियंका मलतारे के लिए दो शब्द अथर्व शुक्ला की ओर से। नर्मदे हर सभी गुरुजन को प्रणाम। मैं खंडवा से अथर्व शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरु जी का पूजा करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। इस दिन महाभारत के रचयिता व्यास जी का भी जन्मदिन है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। गुरु कपार जानिए करे लोहे को स्वर्ण, गुरु कपार जानिए करे लोहे को स्वर्ण, गुरु शिष्य जगत में केवल दो ही वर्ण। अर्थात लोहा पारस पत्थर के संपर्क में आने से लोहा
से स्वर्ण हो जाता है, उसी प्रकार शिष्य गुरु के शरण में जाने से उसकी जिंदगी भी स्वर्ण हो जाती है। इस जगत में केवल दो ही जाते हैं, गुरु और शिष्य। अब तान्या दीदी की प्रस्तुति के बाद अब मैं आमंत्रित करूंगा आस्था जी, अवनी जी व नंदिनी जी को। मुझे लगता है शायद अवनी भी कुछ कहना चाहेंगी डॉक्टर प्रियंका मलतारे के लिए। आप म्यूट है बेटा। नेटवर्क इश्यू है कुछ, तो आप अपनी प्रस्तुति करें, शुरू करें, हम बाद में बात कर लेंगे। अवनी, आस्था और नंदिनी ने डॉक्टर प्रियंका मलतारे के लिए कोई विशेष प्रस्तुति तैयार की है जो उन्होंने मुझे भी नहीं बताई है, तो आप तीनों का स्वागत है। डॉक्टर प्रियंका मलतारे को समर्पित करिए अपनी प्रस्तुति मजेदार सी। जी मां, हो स्वस्थ तन और स्वस्थ मन, रहे जागृत जन जन, स्वास्थ्य है सबका अधिकार, मिले सभी को यह उपहार। दूध दही अब खाएं हम, व्याधि दूर भगाएं हम, मिलकर गीत ये गाएं हम, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन, रहे जागृत जन जन। ना कोई गड्ढा ना टोला छूटे, बात चिकित्सा घर घर पहुंचे, लोगों तक अब बात ये पहुंचे, हो स्वस्थ और मन, रहे जागरूक जन जन। योग ध्यान उपनाए हम, प्रकृति का साथ निभाए हम, हो स्वस्थ तन और स्वस्थ मन, रहे जागरूक जन जन, रहे जागरूक जन जन। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता आप लोगों ने तैयार की डॉक्टर प्रियंका मलतारे के लिए, जिन्होंने आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना, उसकी देखभाल करना और उसको कैसे सुदृढ़ बनाया जाए ये आपको सिखाया उन्होंने। डॉक्टर प्रियंका मलतारे हमारे बीच हैं, आपको कैसी लगी प्रस्तुति बच्चों की? दीदी नर्मदे हर, और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामना बधाई। दीदी ये प्रस्तुति देख के तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चों ने मतलब इतनी अच्छी तैयारी की है और बिना कुछ सिखाए मतलब अपने मन से इतना अच्छा तैयार किया उन्होंने, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बच्चों की डांस प्रस्तुति देख के, उनकी स्पीच सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतने कॉन्फिडेंस से बच्चे बोल रहे हैं, तो बहुत आज मतलब बहुत अच्छा गिफ्ट है बच्चों की तरफ से गुरु पूर्णिमा का, बहुत ही सुंदर जी, बहुत अच्छा लग रहा है उनको देख कर। बस यही बच्चों का प्रयास कि आप लोगों को थोड़ी सी खुशी दे पाए, क्योंकि हम इतनी दूर दूर हैं, फिजिकली हम मिल नहीं पा रहे हैं, तो सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन ही बच्चे आप लोगों को धन्यवाद दे सकें। तो ये एक छोटा सा प्रयास था बच्चों की ओर से। अब मैं वरद कोठारी को आमंत्रित करूंगी। वरद कोठारी, सुजाता मैम के लिए ना। वरद कोठारी हमारी बच्चों की सबसे प्रिय मजेदार गेम्स खिलाने वाली सुजाता मैम के लिए कुछ कहना चाहते हैं। सुजाता मैम आप हैं वरद आप शुरू करें जी। नर्मदेर, आदरणीय सुजाता मैम हमारी गेम्स टीचर हैं, बहुत ही सहज तरीके से छोटे छोटे खेलों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। सुजाता मैम का धन्यवाद, हम सभी की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ जो उन्होंने हमें खेलों के माध्यम से जोड़कर रखा हुआ है। इसलिए भी उनका आभार है कि उन्होंने अनेक तरह के श्लोकों का हमें सही उच्चारण सिखाया, और मैं वीणा मैम से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके क्लास मतलब हर क्लास के बाद रखी जाए ताकि हर किसी का एंटरटेनमेंट और मनोरंजन हो। थैंक यू। देखिए सुजाता मैम आपके फैंस है सारे। तो सुजाता मैम को समर्पित सभी पूरी क्लास के बच्चे
सभी बच्चों ने मिल करके आपको एक प्रस्तुति समर्पित की है। तो मैं भरत से अनुरोध करूंगी कि सुजाता मैम को डेडिकेटेड जो आपने डांस तैयार किया है वो प्ले करें। जी जी मैं देख रही हूँ जी सुजाता जी। ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश को यारो, इस देश को यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। मेरा जूता है जवान हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, फिर दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। आजा जिंदू शामियाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम सत्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये दुनिया दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा रंग दे बच्चों ने समय पे जो भेजी थी प्रस्तुति उनका हमने एक वीडियो बनाया था, और एक दो तीन बच्चों की प्रस्तुति थोड़ा बाद में आई थी तो हम थोड़ा थोड़ा क्लिप उनका भी चला देते हैं। मैं वरद से अनुरोध करूंगी अथर्व और शांभवी का वीडियो चला दे थोड़ी थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। जी मैम एक मिनट।
डालेंगे पूरा प्रोग्राम, हम फिर से प्ले करेंगे पूरा का पूरा। जिन बच्चों ने प्रस्तुति दी है सभी प्रस्तुतियां हम व्हाट्सएप ग्रुप पर पूरा सीक्वेंस के साथ सभी टीचर्स को जो समर्पित करते हुए आपने सभी गुरुजन को की है, तो सारी प्रस्तुतियां हम आज ही ग्रुप पर डालेंगे। तो आज की हमारी इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव का हम समापन करते हैं और सभी गुरुजन को सर्वांग संस्कार शाला की ओर से बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मैं सभी की ओर से आपको प्रणाम और आभार। मेरी तरफ से भी मीना दीदी, मैं कुछ कहना चाहूंगी सारे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार। आज मैं अपना वजन कम कर रही हूँ, पर आज की प्रस्तुति के बाद मेरा वजन और बढ़ जाएगा। सारे बच्चों को ढेर सारा प्यार, सारे गुरुजनों को भी सादर अभिवादन। और सबसे पहले मैं आपको भी थैंक्स दूंगी कि आपने इतनी प्यारी अच्छे तरीके से नींव डाली, क्योंकि हम नींव
बहुत सारा प्यार, जिसका जन्मदिन है उसको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से सब बच्चों की तरफ से जो सबसे बड़ी गुरु है इस कार्यक्रम की, वीणा जी के लिए भी एक बार तो तालियां जरूरी है। बहुत अच्छा काम किया है इतने सबको इकट्ठा करके आपने, जो इतना जो कार्यक्रम चलाया है इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और एक बार सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बड़ा अच्छा कार्यक्रम दिया। और एक चीज जो खास बोलना चाहूंगा मैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि हम ही लोगों ने सिखाया है। अब आप ये देखिए कि अगर मैं इतिहास के बारे में पढ़ाता हूँ तो उसके पहले मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है खुद, तो मुझे उसकी तैयारी करने के लिए तो एक तरह से इन बच्चों के पीछे मैं सीख रहा हूँ और मैं बहुत सारी चीजें पढ़ रहा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ। एक नया अध्याय खोल दिया बच्चों ने मेरे लिए भी। बहुत बहुत बधाई, बहुत खुशी की बात। अभी ये कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, अभी इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग बाकी है। यस मैम, ये प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, इसका बहुत महत्वपूर्ण भाग अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ मैम। मेरे आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है आवाज, नहीं आ रही। आगे आगे प्लीज 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 प्ले बैक करना। मेरा नाम रखना होता ना मुझे। यस मैम, अभी भी नहीं आ रही है। आ गई, जल्दी करो। अरे तो प्लीज हो जाएंगे, जल्दी कर मैम। एक मिनट एक मिनट, मैं रीजॉइन कर रहा हूँ मैम, प्लीज आप लोग लीव मत करना। Yes, हम बिल्कुल जब तक पूरा नहीं सुनेंगे हम नहीं जाएंगे यहाँ से। चिंता मत करो, हम बैठे रहेंगे, तुम लोग को सबको सुन के जाएंगे यहाँ। रुको एक सेकंड, मैं आप करो। मैम सर आप लोग लीव मत हो ना। आ गई। अरे वापस म्यूट हो गई। तो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम हमारे आदरणीय सबसे प्यारे गुरु जो सर्वांग शाला के हर एक बच्चे और गुरुजनों का ख्याल रखती है, उनके लिए हम कुछ लेकर आए हैं। तो वो महान गुरु है हमारी वीणा, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है बिना अपने बारे में सोचे। तो आज हम उनकी सिखाई हुई चीजों के ऊपर कुछ एक्ट्स लेकर आए। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास पसंद आए, और अगर जाने में हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दो। तो देखिए और एंजॉय करिए। तो जब वीणा सर्वांग शाला ज्वाइन हुई थी तो हम कुछ इस प्रकार थे, समझ जाएंगे, देखते रहिए हमारा एक्ट। जो आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है एक किसान। एक गांव में एक किसान रहता था, वो बहुत ईमानदार था। अगर कोई उसको बुरा भला भी कह देता था तो वो बुरा नहीं मानता था। ये कहानी तो मैंने सुनी है बेटा। अभी मैम कुछ समझा रही है ना, अभी बीच में नहीं बोलना, मैम का फिनिश हो जाए फिर बोलना। तब किसान असमंजस में पड़ गया। बेटा अब आपका डाउट कॉपी में लिख लो, मैम का फिनिश हो जाए फिर आप पूछ लेना। मुझे बताओ कि आप इस स्टोरी से क्या सीखी और आपको क्या समझ में आया। बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मैम ने भी आपको समझाया है ना कि बोलो कम और सुनो ज्यादा, फिर भी आप लोग बस शाउट कर जा रहे हो। आपको पता है हमारे गुरुजन कितने बिजी पर्सन है, फिर भी रोज आपके लिए टाइम निकाल कर आपके लिए तो मेहनत करते हैं। बेटा इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो कुछ दिनों बाद जब वीणा मैम की बातों का हम पर असर होने लगा
हमें कुछ इस प्रकार के बदलाव आए। तो बच्चों ये ऐसे बनता है। अब हम स्वागत करते हैं अर्चना मैम का। अर्चना दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सारे बच्चे अर्चना मैम को प्रणाम कीजिए। आओ बच्चों, आप लोगों ने कितना साइलेंट मेंटेन किया हुआ है और सभी लोग अपना सिंसियरली वर्क भी कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहा है। वाओ, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। तो ये था एक एक्ट जिसमें वीना मैम ने हमें कम और समझदारी से बोलना सिखाया। वैसे तो सभी टीचर्स हमसे सवाल पूछते हैं, लेकिन वीना मैम ने हमें सिखाया खुद से सवाल पूछना। तो आगे हम ला रहे हैं वीना मैम द्वारा शुरू किया गया सेक्शन एक सवाल खुद से पर आधारित एक एक्ट। इतना प्यारा प्रेजेंटेशन, बहुत ही सुंदर एक्ट किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी मैं कि इतना कुछ कर पाऊंगी। आप लोग बहुत सुंदर। मैम आप बीच बीच में से आपसे हिंट ले जा रहे थे। आप गुस्सा आता है या नहीं, आप इनको क्या बोलती है, आप इनको क्या बोलते हैं? मैम अर्चना मैम को क्या बोलते हो? हाँ वही, वो मैंने पूछा था, इसलिए मैंने पूछा था कि आप क्या बोलते हो। माइक ऑन रखना। सबने चश्मे लगा लगा के मेरी एक्टिंग करी है, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा अच्छा किया है, बहुत सुंदर बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस एक्ट के लिए।
और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग जो मेरा एक सवाल खुद से है उसको इतना सीरियसली ले रहे हो। और मैंने एक चीज और नोटिस की कि जब भी अभी कोई भी बच्चा मुझे कॉल करता है तो वो हेलो नहीं बोलते, वो सब बच्चे नर्मदे हर बोलते हैं। तो एक छोटा सा चेंज हम ला पाए आप लोगों में, और ये जो आप 10-15 बच्चे, 25-30 बच्चे जो हैं, जो बहुत एक्टिव रहते हैं और हर क्लास में आते हैं, आप हमारी मेहनत का फल हो। जो मेहनत हमारे गुरुजन कर रहे हैं वो आप उसका फल हो। और बहुत प्राउड होता है, मुझे बहुत गर्व है आप सभी पर। पता है मैम, इसकी स्क्रिप्ट लिखने में मतलब 7-8 दिन लग गए जिसकी स्क्रिप्ट लिखने में। मैम हमने हर बार डिस्कशन करा, हर बार मीट करी, पर सेम ही चीज हो जा रही थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे दीदी आपकी तरह से पहन के उसने ऐड किया। जी बहुत सुंदर लगा मुझे, कपड़े भी बिल्कुल, बहुत मेहनत की बच्चों ने। बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत पसंद आया आप लोगों का। थैंक यू मैम। धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। यस मैम, इसलिए हमने आपको एक्ट करने के लिए इतना मना करा कि मैम नहीं, मत करना। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। और आज के पूरे प्रोग्राम की तैयारी, ये पूरे प्रोग्राम में अमीना दी, मुझे भी बच्चों को धन्यवाद करना है। सभी बच्चों को सभी गुरुजनों की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। और तुम बहुत ही मतलब टैलेंटेड बच्चे हो, इतने एक्टिव हो, इतने एनर्जेटिक हो, इतने एंथुसियास्टिक हो, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा सबका आज परफॉर्मेंस देख के। और वीणा दी वाला तो एकदम सुपर बहुत अच्छा था और तो दीदी को भी धन्यवाद और दीदी के सारे बालकों को भी बहुत 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 धन्यवाद। आज का दिन इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया बहुत अच्छी बात है बेटा, सब खूब उन्नति करो, बहुत खुश रहो सभी बच्चे। मेहनत है बेटा आप लोगों की, मेहनत है आप सबकी, मैं मुझे लाइन थी ना ताने दीदी की थी, वो ताने दीदी बोल नहीं रही थी इसलिए मैंने बोलना पड़ा मुझे। मैम आपने ताने दीदी लगाया था ताने दीदी को, हमने ना इसलिए आपको बोला, मना किया था कि आप ना किसी को म्यूट ऑल मत करना या फिर चैट मत बंद कर देना, यही कारण था। पर आज मुझे ऐसा लगा कि हमने शायद वीडियो मंगाने के बजाय लाइव परफॉर्मेंस करना था तो ज्यादा अच्छा रहता। जो टेक्निकल इश्यू आए वो हम डर रहे थे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो ज्यादा अच्छा रहता शायद हम लाइव करवाते तो। लाइव जितने टेक्निकल इश्यूज आ गए थे वो मैंने सारा कुछ आप लोगों को ही सौंप देना था तो ज्यादा बेटर होता शुरू से ही। बहुत अच्छा प्रोग्राम था बच्चों, सभी गुरुजी को भी धन्यवाद, आए और बच्चों की परफॉर्मेंस देखी। और बच्चों को भी धन्यवाद जो सभी गुरुजन को, हम गुरु दक्षिणा तो दे नहीं सकते तो हमने एक आभार व्यक्त किया हमारी ओर से। अब हम इस सभा का समापन करते हैं ऑफिशियली, तो मैं तान्या से अनुरोध करूंगी कि एक गा करके और आज की सभा का समापन करें, फिर हम बात करते हैं। अब हम इस कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। मैं सभी बच्चों की ओर से हमारे सम्मानित गुरुजनों का धन्यवाद करती हूँ, हमें थोड़ा सा समय दिया। और बिना मैं अब हम हाँ बेटा बोलिए तान्या जी। मैम अब हम कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं।
तो मैं सभी बच्चों की ओर से सभी गुरुजनों को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से कुछ समय हमें दिया, और मैं वीणा मैम का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्हीं की वजह से हमें इतने ज्ञानवान गुरुओं से रूबरू होने का मौका मिला, और साथ ही साथ उन स्वयं वीणा मैम ने भी हमें बहुत सी अच्छी बातें सिखाई, नैतिक मूल्य और जीवन में उतारने लायक आदतें हमें बताई। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर हमारे गुरुजन हमें 100% देते हैं, अगर हम उसमें से 1% भी ग्रहण करके कुछ अच्छा कर दिखाएं तो बड़ी बात होगी, क्योंकि गुरु के लिए एक अच्छा उपहार उनके स्टूडेंट्स का अच्छा सफलता परिणाम होता है। बिल्कुल सही। सभी गुरुजनों को तहे दिल से धन्यवाद, और मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सर्वांग शाला के समापन के बाद भी हम दर्शन और आशीर्वाद मिलता रहे। तो अंत में मैं एक गीत की प्रेरणादायक पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। होगी शांति चारों, होगी शांति चारों, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ लेकर हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, होंगे कामयाब एक दिन, होंगे कामयाब। धन्यवाद। होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन। ओ मन में विश्वास, तो हम सभी को गाना है, ये हम सभी के शब्द हैं, जो सारे गुरुजन भी यही चाहते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसमें हम कामयाब रहें, और ये हमारे भाव हैं आप बच्चों के लिए कि जितनी मेहनत हमारे गुरुजी कर रहे हैं तो हम सभी का की मेहनत सफल हो और आप सब लोग अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान बन सकें। बस कोशिश यही है कि आप लोग अच्छे इंसान बन सके और हमारे धर्म और संस्कृति से आप लोग जुड़ सके। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ।